ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। यस बैंक क्या करे, इस तेजी में घुस जाए या रह जाए, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। चलिए अब NSE के वेबसाइट पे जाके देखते हैं यस बैंक की आज की कहानी क्या है, मतलब किसने पे क्लोज हुआ, कितना हाई बनाया, कितना लो बनाया और कितनी डिलीवरी बेस क्वांटिटी उसमें उठी हुई है। तो आप इसमें देख लीजिए 106.25 इसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस है, मतलब आज ये इस दिन ये क्लोज होता 14% ये आज अपसाइड है पिछले दिन से। आज जो इसका ओपन था वो 94 पे था, आज इसका जो हाई था वो 106.50 है, आज जो इसका लो था वो कितना था 92.25 इसका लो था। तो मतलब ये 14% अपसाइड पिछले दिन से आज है, मीन्स के काफ़ी इसमें अपसाइड अभी आई हुई है। तो देखिए अभी क्या करते हैं, देखते हैं चलो कितना वॉल्यूम इसमें ट्रेड हो चुका है और कितना डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम है। तो आप इसमें देख लीजिए, इधर देखिए क्वान्टिटी ट्रेड कितनी है, 22 करोड़ क्वान्टिटी ट्रेड हो चुकी है आज के दिन, और उसमें से 2 करोड़ जो डिलीवरी बेस्ड क्वांटिटी है, मतलब क्या हुआ 12.12% डिलीवरी इसमें उठी है। अब हम आ चुके हैं यस बैंक के चार्ट के ऊपर, तो चलिए देखते हैं कहाँ पे हमें बाय करना चाहिए और कहाँ पे सेल। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी इसमें, मैं क्या है कि ये मैं खुद मानता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि बाय करना सेफ रहेगा या नहीं। सो क्या है कि आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हो और अपनी पोजिशन अपने हिसाब से बना सकते हो। तो चलिए आप देखिए ये यस बैंक का जो हमने देखा कि जो इसका क्लोजिंग प्राइस था वो कितना था 106.25, तो ये अभी इधर क्लोज हुआ था, मतलब देखो ये इसका जो निचला सपोर्ट है, देखो इधर सपोर्ट लेके ये ऊपर जा रहा थोड़ी थोड़ी क्या है कि छोटी वाली कैंडल, लेकिन आज इसने एक बड़ी वाली कैंडल दे दी वो भी 14% का अपसाइड दिखाई दे रहा। तो देखिए जो 13 दिनों और 21 दिनों की एवरेज लाइन है इसको ये क्रॉस कर चुका है, अभी आता है 15 डेज का एवरेज लाइन जो ये होता है ग्रीन कलर की लाइन, वो कहाँ पे 126 पे है 15 दिनों की एवरेज लाइन, बाद में आता है 100 डे की एवरेज लाइन, बाद में 200। तो मैं क्या है कि मैं मान सकता हूँ कि चलो अभी एक पहले तो इसका रिजल्ट का वेट कर लेते हैं, क्यों देखिए आप इधर भी ऐसा ही हुआ था, पहले गिरावट आई बाद में जैसे रिजल्ट आया तो नीचे, मतलब इधर से किसी को तो मौका ही नहीं मिला निकलने का, इसलिए क्या है कि इस बार भी मैं क्या है कि रिजल्ट का वेट। हाँ भले ही मेरे को क्या है कि थोड़ा प्रॉफिट कम मिले लेकिन मैं अपना इतना लॉस नहीं होने दे सकता, इसलिए पहले तो मैं रिजल्ट का वेट करूँगा। ये 200 डेज के लाइन के पास भी चला जाए फिर भी मैं रिजल्ट का वेट करूँगा, क्यों, क्योंकि मेरे को मेरा पैसा नहीं फंसाना, मेरे को मेरा पैसा नहीं बर्बाद करना है। सो आप भी क्या कर सकते हो कि इसमें अभी ये हड़बड़ी में चलो 15% भाग गया तो मैं निकल जाता हूँ इसमें, चलो खरीद लेता हूँ, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। हाँ अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि रिजल्ट का वेट कर लो ना, अभी आ रहा है थोड़े दिन में रिजल्ट, तो उसके बाद ही हम जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि पिछले जो क्वार्टर था उसमें भी प्रोविजन की हुई थी, इस क्वार्टर में कुछ नया होगा तो फिर क्या करोगे आप। चलो आप इसने इधर खरीद लिया, ये 116 पे खरीद लिया, चलो इधर से ऊपर भी चला गया, रिजल्ट आया तो क्या होगा, सीधा नीचे आ जाएगा अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ अच्छा रिजल्ट आएगा तो आपको क्या है कि एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन क्या करेंगे, रिजल्ट आने दो उसके बाद हम बाय करेंगे, फिर भी हमें प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ये भाग के 1000 पे पहुंच गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। पहले ये सब मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, बाद में ट्रेड करना असली ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, और वो भी रिजल्ट अच्छा आया तो, अगर रिजल्ट ही अच्छा नहीं आया तो फिर से नीचे आ जाएगा, जैसे DHFL में हुआ। तो क्या करें, पहले हमें रिजल्ट का वेट कर लेना चाहिए, बाद में ही हम कोई अच्छा वाला डिसीजन लेंगे। तो ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यारो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर आप लाइक करोगे फिर हमें अच्छा लगेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।